हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। हमारी आज की रेसिपी है क्रिस्पी चिली चीज गार्लिक ब्रेड टोस्ट। ये सुपर इजी, सुपर क्विक रेसिपी बच्चों के नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट या इवनिंग में एज अ स्नैक्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने करीब 2 से 3 बड़ा चम्मच मक्खन एक मिक्सिंग बोल में ले लिया है। मैंने इसे कम से कम हाफ एन आवर रूम टेम्परेचर में रखा है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसको मिक्स करना इजी रहे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, चॉप्ड बेल पेपर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। हम यहाँ बहुत ज्यादा प्याज नहीं लेंगे, मैंने करीब आधा प्याज बारीक काट के लिया है। हमें बस थोड़ा सा प्याज का क्रंचीनेस चाहिए इसमें। अभी हमने इसमें ऐड किया है श्रेडेड चीज। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। मैंने यहाँ लिया है थोड़ा नमक। जो बटर मैंने लिया था वो अनसॉल्टेड था, अगर आप सॉल्टेड बटर लें तो आप नमक कम डालें। अब मैंने ऐड किए हैं थोड़े चिली फ्लेक्स और थोड़ी इटालियन सीजनिंग। आप चाहे तो यहाँ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अभी आप इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप अपने पसंद की कोई ब्रेड लें। मैंने यहाँ पे होल व्हीट ब्रेड ली है और ये जो मिक्सचर आपने प्रिपेयर किया है आप उसको अच्छे तरह से उस पे स्प्रेड कर दें। अपने इस मिक्सचर से मैंने करीब 4 से 5 ब्रेड रेडी कर ली है। अब हम अपने पैन को बिल्कुल लो हीट पे गर्म करेंगे और इस ब्रेड को उसके ऊपर टोस्ट होने के लिए रख देंगे। आप इसे कवर कर लें ताकि इसका चीज भी अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। मैंने इसे इस तरह करीब 5 से 6 मिनट पर बिल्कुल लो हीट पर टोस्ट किया है। जैसे आप देख रहे हैं इसका चीज भी मेल्ट हो गया है। मेरा टोस्ट अब बिल्कुल रेडी है।
बस इसी तरह अपने सारे ब्रेड टोस्ट कर लें। इसे जो हमने लो हीट पर टोस्ट किया है, इसलिए ये ब्रेड काफी क्रिस्पी भी होते हैं। बस आपकी क्रिस्पी चिली चीज गार्लिक ब्रेड टोस्ट रेडी है। गरम गरम खाएं और मजे लें। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। आप चाहें तो एंड में सर्व करने से पहले इसे बारीक कटे हुए धनिये से भी गार्निश कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।